तो आज हम टाइगर 3 का रिव्यू करने वाले हैं। इस बार की कहानी में टाइगर का बेटा बड़ा हो गया है। जाहिर है टाइगर को एक मिशन पूरा करना है, लेकिन इस बार मिशन हिंदुस्तान के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। और इस मिशन में टाइगर के सामने क्या कुछ दिक्कतें आती है यह कहानी है। स्पाई यूनिवर्स की ज़्यादातर कहानियाँ यही होती है। हाँ, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, इसके लिए आपको फिल्म को देखना होगा। कहानी की बात करें तो इस फिल्म से उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा थी, और फिल्म जब शुरू होती है तो लगता है ये उम्मीद पर खरी नहीं उतरेगी। सलमान ढीले लगते हैं, कटरीना में कोई दम नहीं लगता। हाँ, इमरान हाशमी ज़रूर इम्प्रेस कर रहे हैं। तब ख़त्म होते ही लगता है कि टाइगर तो टाइटाई फीस हो गया। लेकिन सेकेंड हाफ में होता है असली धमाका। ज़बरदस्त एक्शन सीन आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, और आता है पठान, वो भी पठान के टाइटल सॉन्ग के साथ। शाहरुख खान का केमियो फिल्म की जान है, वो महफिल लूट ले जाता है। इसे स्पॉइलर मत समझे, क्योंकि ये पहले से ही क्लियर था कि ऐसा होगा, और सोशल मीडिया पर तो फैन इसके वीडियो तक डाल रहे हैं। हाँ, एक और बड़ा स्पॉइलर है तो मैं नहीं देने वाला। एक्टिंग की बात करें तो सलमान खान ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, हालांकि कई जगह ऐसा लगता है कि वह एक्टिंग पर एहसान कर रहे हैं। उनका स्टारडम ऐसा है कि वो फिल्म को खींच ले जाते। कटरीना अच्छी है, उनका टॉवेल में लड़ाई वाला सीन शानदार है, लेकिन फिल्म में सबसे कमाल की एक्टिंग इमरान हाशमी कर जाते हैं। कहते हैं हीरो की हीरोगिरी तभी निकल के सामने आती है जब विलेन दमदार हो, और यहाँ इमरान में काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और सेकेंड हाफ में फिल्म आपको एंटरटेनमेंट का ज़बरदस्त डोज देती है। डायरेक्शन की बात करें, अगर इस फिल्म को मनीष शर्मा की जगह कोई और डायरेक्टर करता तो ये शानदार फिल्म होती है। उनका डायरेक्शन एवरेज रहा गया है। फिल्म सलमान, कटरीना, शाहरुख और इमरान जैसे सितारों के बूते देखने लायक बन पाई है। ऐसे बड़े सितारों को भी ठीक से इस्तेमाल करना मनीष को पता नहीं है। अगर म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है। प्रीतम के म्यूजिक में कोई खास दम नहीं लगता है। ऐसा कोई गाना नहीं है जो आपको थिएटर से गुनगुनाते हुए निकले। कुल मिलाकर दिवाली पर अगर आपको सलमान और शाहरुख एक साथ देखने को मिल रहे हैं तो ये धमाके सिनेमा लवर्स मिस नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सितारे हैं जिन्होंने हमारे सिनेमा को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज वो है।